नमस्कार, मैं शिव सैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा और ड्रामा दोनों तेज हो रहे हैं। 2024 के लिए चुनावी जमीन तैयार की जा रही है। आज इसी को समझेंगे कि 2024 के लिए चुनावी जमीन की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है। चुनावी जमीन की पृष्ठभूमि की तो पटकथा भी लिखनी शुरू हो गई। 2024 की पटकथा के लिए 2023 का मानसून बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार का मानसून सत्र वैसे 20 जुलाई से 11 अगस्त तक रहने वाला है। 23 दिवसीय इस सत्र में कुल 17 बैठक होनी तय है, जिसको लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 1 जुलाई को ट्वीट के जरिए जानकारी दे दी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे अधिक सियासी मुद्दा रहने वाला है। बीजेपी इस मुद्दे को जहां पूरी तरह से भुनाना चाहेगी, तो वहीं भाजपा की लोकसभा में तो राह आसान दिख रही है, लेकिन राज्यसभा में भाजपा को बहुमत पाने के लिए बहुत अधिक गुणागणित और पासे इधर उधर करने पड़ सकते हैं। भाजपा ने तो इसके लिए एनसीपी को दो फाड़ में बांट कर अपनी चाल को भी चल दिया है। अगर भाजपा इसमें सफल होती है तो इस बार वह एक तीर से दो नहीं बल्कि तीन निशाने साधे माने जाएंगे। पहला, महाराष्ट्र में घटती लोकप्रियता के बीच विपक्षियों को और भावना कर अपने को अच्छा साबित कर देगी। दूसरा, यूसीसी के कानून बनने की राह आसान हो जाएगी। तो वहीं तीसरा, यूसीसी के बनते ही 2024 में सत्ता वापसी होना लगभग भाजपा के लिए तय हो जाएगा। अब समझते हैं मानसून सत्र में यूसीसी बिल लाने को लेकर क्या मुश्किलें भाजपा के सामने हो सकती है। केंद्र की भाजपा लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ बैठी है, उसे वहां कोई भी चिंता नहीं है। भाजपा के सामने चिंता राज्यसभा की 245 सीटों में से बहुमत लाने की है। फिलहाल 245 में से 8 सीटें अभी भी खाली हैं। इस लिहाज से भाजपा को 237 सीटों में ही बहुमत लाना है, यानी उसे कुल 119 वोट लाने होंगे। वर्तमान में भाजपा के 92 सदस्य हैं और एनडीए गठबंधन सहित कुल 109 वोट बीजेपी के पाले में मौजूद है। बचे हुए 10 वोटों के लिए भाजपा को बीजेडी वाईएसआर कांग्रेस का फुल समर्थन मिल सकता है। इनके पास कुल 9-9 सीटें हैं। और खास बात यह है कि बदलती हुई राजनीति में अभी भी इन दोनों पार्टियों ने अपने अपने पत्ते नहीं खोले। अगर इनमें से कोई एक पार्टी अपना समर्थन नहीं देती है तो भाजपा के पास सिर्फ एक ही वोट की कमी होगी। उस कमी को पूरा करने का भाजपा ने पूरा इंतजाम कर लिया है, एनसीपी को दो दलों में बांटकर, और वो कमी पूरा करेंगे प्रफुल्ल पटेल। काफी दिनों से एनसीपी के टूटने के आसार दिख रहे थे, लेकिन भाजपा ने तब तक हाथ नहीं रखा जब तक एक तीर से सारे निशाने नहीं सज रहे थे। मतलब प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार के साथ पाले में नहीं आ रहे थे। प्रफुल्ल पटेल के पाला बदलते ही अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए और यूसीसी बिल पास होता नजर आने लगा। वैसे भी आज जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। किस बात पर समझौता बनता है यह तो मुलाकात के बाद की खबरों से ही पता चलेगा। वैसे एक सवाल और भी है, क्या भाजपा इतना बड़ा रिस्क लेगी कि यूसीसी बिल 2023 के मानसून सत्र में न लाकर 2024 में सरकार बनाने के बाद लाए, क्योंकि 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। अगर भाजपा इस रिस्क को लेती है तो मानसून सत्र में यूसीसी बिल न लाने को लेकर और 2024 के समीकरण फेल हो गए तो आरएसएस और भाजपा की सालों की तपस्या में पानी फिर जाएगा। तो वहीं इसी मानसून सत्र में यूसीसी बिल न लाने से भाजपा पार्टी लाइन का कोर वोट भी खिसक सकता है। अब तो भाजपा के सामने इस लिहाज से करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा का यह मानसून सत्र तब सफल होगा जब अजीत पवार अपने गेम में सफल हो जाएंगे, नहीं तो भाजपा को अपना प्लान भी तैयार कर रखना होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चर्चा या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।